कि पैसे जिसके पास है वो तो चाहेगा मैं तो सेफ ही रहूँ, मेरा ये तो मामला, मुझे लॉस नहीं चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट। सूद में क्या होता है, गारंटीड प्रॉफिट होता है। सूद के अंदर 100% गारंटीड प्रॉफिट होता है, सामने वाले का लॉस है प्रॉफिट है, सूद वाले को प्रॉफिट ही होने वाला है। तो हम देखते हैं कि क्या मामला है यहाँ पर। यहाँ पर बात यह है कि लोग इस चीज़ में, ये एक इनइक्वल, एक अनइक्वल, एक अनजस्ट सिस्टम जारी रहता है। क्यों? क्योंकि जिनकी चलती है दुनिया में वो तो चाहेंगे कि उनके इंटरेस्ट सेफ रहे। दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जिनके होते हैं वो दुनिया के सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। सही गलत साइड पर, मेरा फ़ायदा कहाँ है, मेरा फ़ायदा होना चाहिए, और वो इंश्योर करते हैं कि उनका फ़ायदा मेंटेन रहे, चाहे दुनिया के कितने भी लोगों का कितना भी नुकसान हो, चाहे गरीब लोग गरीबी की ज़िंदगी बिताते रहें, चाहे किसी को कितना भी प्रॉब्लम हो, वो चाहते हैं कि उनका इंटरेस्ट सेफ रहे। हकीकत में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा सेफ तब होता जब वो सही सिस्टम पर चलते। सही सिस्टम पर चलने से ज़्यादा सेफ उनका इंटरेस्ट होता। कैसे? क्योंकि दुनिया के अंदर ही टोटली खुशहाली बढ़ जाती। जब दुनिया के अंदर खुशहाली बढ़ती तो ज़रूरी नहीं है कि इनके पास जितनी प्रॉपर्टी है वो कम होगी। हो सकता है इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ेगी, लेकिन दूसरों को भी बढ़ने का मौका मिलेगा। दूसरों को दबा के नहीं रखा जाएगा, दूसरे भी बढ़ेंगे, जो डिफरेंसेस कम होगा, जो गरीब और अमीर में डिफरेंस कम होगा, उसका मतलब ये नहीं कि ये नीचे आने वाला ही है। ज़रूरी नहीं है कि इसकी वेल्थ नीचे ही आने वाली है, हो सकता है इसकी वेल्थ भी ऊपर जाएगी लेकिन बाकी लोगों की वेल्थ होगी, और इस तरह से डिफरेंस कम होने वाला है। तो हम ये देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर, अब इंटरेस्ट जिनके पास है वो भी लेंड कर पाते हैं तो किसे लेंड कर पाते हैं, जिसके पास कोई सिक्योरिटी देने के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि वाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स कहते हैं गवर्नमेंट्स के, जहां पर फजूल खर्च किया जाता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्पेंड करने में बहुत ज़्यादा सूदी रकमें लगाई जाती हैं। हालांकि अगर वही चीज़ अगर सही सिस्टम के हिसाब से लगाया जाता प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के बेसिस पर तो क्या होता, तो हम ये देखते हैं कि ये सब वेस्ट स्पेंडिंग पर कंट्रोल आने लगता। सही टाइप की स्पेंडिंग होती, जब प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होती है ना, तो यूजलेस चीज़ें आउट होने लगती है। क्योंकि गवर्नमेंट जो वाइट एलिफेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स के लिए जो वर्ल्ड बैंक का लोन ले लिए या फॉरेन बैंक का लोन ले लिए, IMF से लोन ले लिए, तो वो इस तरह के जो लोन्स ले लेते हैं, या वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, और जो इस तरह के लोन्स ले लेते हैं सिर्फ इस तरह के प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर कोई रियल बेनिफिट नहीं आने वाला है, बस सिर्फ एक अच्छा है कि दिखना चाहिए, अच्छा दिखने अच्छी चीज़ वाली। रियल बेनिफिट क्या है? जब हम हर चीज़ को प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग पे कनेक्ट कर देते हैं, और आपको पैसे देना है तो सूदी सिस्टम से नहीं देना है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग से देना है, तो ऐसे टाइप के फजूल खर्च वाले प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली आउट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें प्रॉफिट कुछ है नहीं, उसके अंदर कुछ बेनिफिट नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं इस चीज़ को ना फॉलो करने की वजह से।